हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एज हम आप जानते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एशियन हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री पे हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो अभी हम हैं मिडिवल इंडिया में, ठीक है ना। तो हमने कल के वीडियो में देखा था इन्वेंशन ऑफ गजनी। गजनी जब आए थे, मैंने आपको बताया था जब हमारा जो अर्ली मिडिवल इंडिया था उस टाइम पे दो लोग आए थे, एक महमूद गजनी एंड एक मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। दोनों जिस मोटिव से आए थे, महमूद गजनी जो थे वो अच्छा खासा वेल्थ लूट के लेके गए थे अपने लिए, लेकिन जब गौरी आए थे तो वो यहाँ पे अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने आए थे, ठीक है ना। उनका जो बैटल हुआ था वो दो बार पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, हमने देखा था राजपूत डायनेस्टी में। कुछ एमसीक्यूज में दो बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में गौरी जो थे वो हार गए थे, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान को हार देखना पड़ा था और उसके बाद गौरी ने अपना यहाँ एम्पायर स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो अब देखेंगे जब गौरी आए थे तो उस टाइम के कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। दैट इज उसमें किस तरह का क्या क्या डायनेस्टी आया था, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना, फिर खिलजी डायनेस्टी, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है गौरी पे, तो देखते हैं व्हेन डिड मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद गौरी जो थे वो इंडिया में कब इन्वेड किया था उन्होंने, 1080 में, 1026 AD में, 1175 AD में, यानी 1191 AD में। Yes, and the right option is option C, that is 1175 AD। Time period में मोहम्मद गौरी जो थे वो इंडिया में invade उन्होंने किया था, ठीक है ना। So moving to the next question, आज का हमारा question number 2, when was the first battle of Terrain fought? We know that जो first battle of Terrain हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो वो किस period में हुआ था, किस time पे हुआ था, 1170, 1171 AD, 1191 AD, 1192 AD, or 1206 AD. Yes, and the right option is option B, that is 1191 AD, ठीक है। सो मोहम्मद गौरी जब आए थे उस टाइम उसका पीरियड कौन सा था, 1175 AD में आए थे। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो लड़ा था वो 1191 AD में लड़ा था, ठीक है ना, वॉर हुआ था, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मोहम्मद गौरी, व्हेन डिड द मोहम्मद गौरी डाई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1175 AD, 1191 AD, 1192 AD, 1206 AD. Yes, and the right option is option D, that is 1206 AD में उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मौत हुई थी, वो मोहम्मद गौरी डाई थी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द बैटल ऑफ टेरेन द इंडियन टेरिटरी ऑफ मोहम्मद गौरी वाज टेकन बाय, जब बैटल ऑफ टेरेन, जब सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन जो थे, जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, उसके बाद जो इंडियन की टेरिटरी थी वो किसके द्वारा ली गई थी, ठीक है ना। जो मोहम्मद गौरी जो थे वो मोहम्मद गौरी का जो टेरिटरी जो था वो किसके द्वारा ली गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, महमूद गजनी के द्वारा, या सुल्तान महमूद के द्वारा, सुल्तान महमूद।
एंड द राइट ऑप्शन इज यस ऑप्शन ए दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। सो मोहम्मद गौरी जो थे वो इंडिया में अपने एम्पायर स्टैब्लिश करने के बाद है ना उन्होंने अपने स्लेव यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का एम्पायर दे दिया था, ठीक है ना। जिस वजह से क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे इसलिए जो पहला दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी बना वो था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। हम इस पे अब कल स्लेव डायनेस्टी पे हम लोग कल वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द थ्रोन ऑफ मोहम्मद गजनी वॉज असेंडेड बाय, जो मोहम्मद गजनी के बाद जो थे वो किसने थ्रोन हासिल किया था, मोहम्मद गौरी ने, राजेंद्र चोला ने या राजा राजा चोला ने। तो हम जानते हैं कि गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है ना। गजनी ने हमारे इंडिया का अच्छा खासा वेल्थ लूट लिया था, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद गौरी पूरा अपना एम्पायर यहाँ स्टेबल करने आए थे, स्टैब्लिश करने आए थे, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज मोहम्मद गौरी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टू पावरफुल रूलर केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, इनमें से कौन से पावरफुल रूलर थे जो एक साथ, ठीक है ना, वॉर में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनका, ठीक है ना। मोहम्मद और गजनी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी एंड राजा राजा चोला के बीच में, या मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच। And the right option is Mohammad Gauri and Prithviraj Chauhan ke beech mein, theek hai. Now moving to the next question, question number 7, who founded the slave dynasty? As we know, theek hai na, ki jab Mohammad Gauri ne India mein na empire establish kiya to uska jo pehla dynasty bana wo slave dynasty bana tha. To slave dynasty ke jo founder the wo kaun the, Ghiyasuddin Balban, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन मोहम्मद या सामीउद्दीन अल्तमाश। यस एंड द राइट ऑप्शन इज स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, गुलाम थे, इस वजह से इस डायनेस्टी का नाम रखाया था स्लेव डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गौरी के ऊपर, ठीक है ना। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी द बैटल ऑफ चंद्रवा, ठीक है ना। चंद वॉर हुआ था, ठीक है ना, बैटल ऑफ टेरेन के बाद एक और वॉर हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है ना। वो किस राजा के साथ हुआ था, किस किंग रूलर के साथ हुआ था, जयचंद्रा के साथ, भीमदेव के साथ या पृथ्वीराज चौहान के साथ। यस एंड द राइट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन ए दैट इज जयचंद्र के बीच में हुआ था, ठीक है ना, ये बैटल। सो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया इन्वेजन ऑफ गौरी के ऊपर, ठीक है ना। अब हमने देख लिया कि दो लोगों ने इन्वेड किया था उस टाइम पे बैटल इंडिया में, गजनी ने एंड गौरी ने, ठीक है ना। गजनी ने हमारे इंडिया का वेल्थ ले लिया था, अच्छा खासा लूट के लेके गए थे। उसके बाद गौरी आए थे तो वो जो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो उन्होंने अपना यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। तो जो दिल्ली सल्तनत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें कुछ चार डायनेस्टी आते थे, ठीक है ना। पहली डायनेस्टी थी हमारी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद हमारी आया स्लेव डायनेस्टी के बाद में हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन कौन से एम्पायर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद हमने स्टार्ट किया था खिलजी डायनेस्टी, ठीक। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, ठीक। तुगलक डायनेस्टी
फिर हम लोग इसी तरह से आगे चलेंगे सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, एंड एज वी नो कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट डायनेस्टी है वो लोधी डायनेस्टी था। तो हम लोग इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। सो होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।